हेलो स्टूडेंट, जेई मेन 2024 के स्टूडेंट, तो जेई मेन 2024 के लिए मैं आपको मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जिसपे से सवाल जरूर आता है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो आपको मैंने पहले भी 3 वीडियो बना के रखी है, वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक देख लेना, चौथी बना रहा हूँ। तो देखो, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में हमारा नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। या डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक चैप्टर है, इसमें से मैं अभी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक बताने वाला हूँ कौन सा है, जल्दी जल्दी आ जाए। तो देखो यार, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ नीचे, तो आपको दिख रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक में हमारा आता है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार आपको जेई मेन के एग्जाम में सवाल देखने मिलते हैं। और आप बोलोगे सर कितने सवाल देखने मिलते हैं, तो देखो जनवरी सेशन में आपको पता है 5 दिन पेपर होने वाला है, ठीक है, तो लगभग हर एक शिफ्ट में आपको एक सवाल देखने मिल सकता है, और क्या पता वो सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हो। तो आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से कर लेना है। बाकी अगर आपको आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसको जो है ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस पे से बहुत सारे सवाल ट्रिकी बनते हैं। तो देखो ट्रेंडिंग टॉपिक है 12 क्वेश्चन पर सेशन, मतलब हर सेशन में, मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे जनवरी सेशन में 12 सवाल आते हैं अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, तो यार 12 सवाल आप सोच रहे हो, मतलब कुल मिला के 12 सवाल आ रहे हैं, तो मतलब हो सकता है कि हर शिफ्ट में एक सवाल बन ही जाए, तो प्लीज़ इसको जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करते हैं, थैंक यू।